वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, एरगॉट इज अ माइसिलियम फॉर्म कॉल्ड स्क्लेरोसिया। एरगॉट कौन सा फॉर्म है, माइसिलियम फॉर्म है, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोसिया। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ प्लांट वायरसेस आर एफिड्स। ठीक है, प्लांट वायरस को फैलाने में जो वेक्टर का काम करता है वो जनरली एफिड्स रहता है ना। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा वो स्पोर्स आर रेस्टिंग स्पोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, कौन सा स्पोर्स है, ये है वो स्पोर्स। ठीक है, जो रेस्टिंग स्पोर्स होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा में, ठीक है, वो प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट है, ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग मेथड कौन दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, द इफेक्टिव एंड न्यू फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ओमाइसीटस फंजाई इज मेटालेक्सिल। ठीक है, ये न्यू फंजीसाइड है जो कंट्रोल करता है ओमाइसीटस को। ठीक है, मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम्स ऑफ रिडोमिल एंड एप्रॉन। इसको रिडोमिल और एप्रॉन के नाम से सेल होता है मार्केट में। ठीक है, मेटालेक्सिल। नेक्स्ट है, मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम इज एमेनिटा फेलोइड्स। ठीक है, ये डेंजरस मशरूम है एमेनिटा फेलोइड्स। फिर है, पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन इज कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया पोरी से पर्पल ब्लॉच होता है प्याज में। नेक्स्ट है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट द डिसीज इज पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक इवेंट का चेन होता है जिससे डिजीज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है, द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजेन टू कॉज डिजीज। ठीक है, पैथोजेन का जो कैपेबिलिटी होता है डिजीज कॉज करने के लिए वो कहलाएगा पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, विरुलेंस, द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ गिवन पैथोजन। ठीक है, जो पैथोजन का डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी जितना होता है वो कहलाएगा विरुलेंस। विरियन, विरियन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड में बी डीएनए और आरएनए एंड अ सराउंडिंग प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड। ठीक है, विरियन क्या होता है, ये इसमें होता है डीएनए या आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जो जो प्रोटीन कोर से सराउंड रहता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजेन आफ्टर पेनिट्रेशन हैज होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये होता है जब पैथोजेन का पेनिट्रेशन के पास जो होस्ट के साथ जो रिलेशनशिप बन जाता है वो कहलाता है इन्फेक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनोकुलम्स। इनोकुलम्स क्या होता है, पार्ट ऑफ पैथोजेन विच ऑन कॉन्टेक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट इज कॉल्ड इनोकुलम्स। ठीक है, इनोकुलम क्या होता है, पैथोजेन का पार्ट होता है जो होस्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आने से इन्फेक्शन पैदा करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है कोनिडिया स्पोर्स स्क्लेरोसिया सबसेस इनोकुलम्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेशन। इन्वेशन क्या होता है, द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ अ पैथोजेन इन द होस्ट। ठीक है, होस्ट के अंदर जब पेनिट्रेशन होता है और स्प्रेड होता है पैथोजेन का तो वो कहलाएगा इन्वेशन। फिर नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ अ पैथोजेन टू द होस्ट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन द प्लांट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये दो जो प्रोसेस है उसके बीच का समय है जिसमें पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजेन
ठीक है, और अपेरेंस ऑफ सिम्टम्स के बीच का जो पीरियड है वो कहलाता है इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक, नेक्स्ट है डिजीज़ पोटेंशियल। ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज दी एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एबिलिटी रहता है होस्ट का वो कहलाता है डिजीज़ पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।